हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाश्वत रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खास रेसिपी, जो कि हम सबकी है फेवरेट। बच्चों को चॉकलेट तो पसंद है ही, हम बड़ों को भी चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसे आज हम घर में बनाएंगे, वो भी चार इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही सिंपल से और इजी वे में बनाकर तैयार करेंगे, बिना किसी चॉकलेट मोल्ड के बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी झंझट के, बिना किसी देरी के ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक मिक्सिंग बॉल और इसके ऊपर हम लगा देंगे एक स्ट्रेनर और जो भी इंग्रेडिएंट हमें लेने हैं वो छान के लेने हैं। तो हाफ कप पीसी हुई शुगर है, हाफ कप ही कोकोआ पाउडर है, किसी भी ब्रांड का आप कोकोआ पाउडर ले सकते हैं, और 1/4 कप हमने मिल्क पाउडर ले लिया है। आप इसमें एक दो चम्मच ज़्यादा भी ले सकते हैं मिल्क पाउडर। तो अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से छान लेंगे। तो स्पून की मदद से हम इन्हें छान लेंगे। इन्हें छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इनमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्स न रह जाए और हमारी चॉकलेट एकदम सिल्की स्मूथ सी बनकर तैयार हो। तो ये देखिए, हमने जो ये इंग्रेडिएंट है इनको छान लिया है, ये अच्छे से आपस में मिक्स हो चुके हैं। अभी हम इन्हें रख देंगे साइड में और चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो अगले प्रोसेस में हम एक गैस के ऊपर एक छोटा सा पतीला रख लेंगे, कोई भी पैन आप छोटा सा रख सकते हैं, और इसमें डाल देंगे एक कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। और अब इसके ऊपर हम एक ऐसा बॉल रखेंगे जो कि तले से पानी में टच ना हो। इसका तला पानी में बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कांच का बाउल ही लेना है, आप स्टील का भी ले सकते हैं। और जो गैस का फ्लेम है एकदम लो रखना है। और अब इसमें हम डाल देंगे हाफ कप कोकोनट ऑयल। आप इसकी जगह देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोआ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोकोआ बटर इजीली मार्केट में नहीं मिलता है और बहुत ही कॉस्टली मिलता है, तो कोकोनट ऑयल से भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो अब जैसे ही हमारा कोकोनट ऑयल मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट रखे हुए छान कर उसे मिला लेंगे। इसे डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे हमारे सारे इंग्रेडिएंट ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जा रहे हैं। कपड़े से पकड़ लेंगे अगर हिल रहा है तो, और अगर आपको लगता है कि पानी अंदर बॉयल हो रहा है तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें हीट नहीं चाहिए। और अब सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिल चुके हैं तो हम इस स्टेज पर डाल देंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे हमें तब तक चलाना है जब तक इसका टेक्सचर एकदम सिल्की स्मूथ ना हो जाए। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा एकदम सिल्की सा ये दिखने लगा है। अब हम इसे उतार लेते हैं, पतीले के ऊपर से इसे हटा देंगे। और चॉकलेट सेट करने के लिए मैंने कोई अलग से चॉकलेट मोल्ड नहीं लिए हैं। ये घर में कुछ बॉक्सेस हैं, आइस ट्रे हैं और कुछ कपकेक के मोल्ड मेरे पास सिलिकॉन पड़े हैं, इन्हीं में हमें चॉकलेट सेट करना है। तो थोड़ा थोड़ा चॉकलेट का बैटर है हम इसमें डाल देंगे। और अब ये जो बैटर बच गया है इसमें एकदम बारीक कटे हुए नट्स हैं, ये एकदम बारीक कटा हुआ बादाम मेरे पास है, इसको मैं इसमें अच्छे से मिला लूँगी। आपको जो भी नट्स पसंद हो वो आप इसमें काट कर डाल दीजिए। और बस इस आइस ट्रे में हम इसे सेट होने के लिए डाल देंगे। अगर ऊपर फील करते वक्त ऊपर लग जाता है तो उसे तुरंत क्लीन कर लीजिए, नहीं तो शेप खराब हो जाएगी। ऊपर से भी हम कुछ बादाम की कतरन डाल देंगे अगर आपकी इच्छा हो तो। और हाँ, इन्हें सेट करने से पहले टैप टैप करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे हम 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए, चॉकलेट हमारी बहुत बढ़िया सेट होकर तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। बिना किसी चॉकलेट मोल्ड के हमने घर में इजीली चॉकलेट तैयार कर ली है। और ये देखिए, आइस ट्रे से भी मैं इसे डीमोल्ड करती हूँ। ये पीछे आप जो अलग सा कलर देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखने की वजह से हुआ है। ये बाद में अपने आप सही कलर आ जाता है इसका। और ये देखिए, बॉक्स में जो है ना, इसे भी मैं डीमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ।
ये भी इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, बहुत बढ़िया हमारा बार भी रेडी हो चुका है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम घर में चॉकलेट तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, और अपनी पसंदीदा नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें।